महामारी काल में गरीबों के लिए आम आदमी ही नहीं सरकार ने भी खजाना खोल रखा है, मगर आपदा की इस मुश्किल घड़ी में लोग पीएम राहत के नाम पर गरीब मजदूरों से अवैध वसूली करने में लगे हुए हैं। ताजा मामला यूपी के बुलंदशहर का है, जहां नगरपालिका दफ्तर में नगरपालिका का कर्मचारी बनकर एक युवक गरीब मजदूरों से अवैध वसूली करता पकड़ा गया। ईओ ने आरोपी युवक को पकड़वा कर पुलिस की सुपुर्दगी में दे दिया है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। दरअसल यह युवक सरकार की तरफ से मिलने वाली आर्थिक मदद के लिए योजनाओं के फॉर्म भरवाने के नाम पर अवैध वसूली कर रहा था। जैसे ही इसकी शिकायत नगरपालिका प्रशासन के पास पहुंची, ईओ नगरपालिका निहाल चंद कर्मचारियों के साथ वहां पहुंची और युवक को गरीबों से अवैध वसूली करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। पूछताछ के बाद ईओ ने मौके पर पुलिस को बुलाया और युवक को पुलिस को सुपुर्द कर दिया। आपको बता दें कि आरोपी युवक गरीब मजदूरों से 20, 30 और 50 रुपए तक वसूल रहा था। बकौल ईओ निहाल चंद को लगातार शिकायत मिल रही थी कि एक युवक जो पूर्व में नगरपालिका में ही संविदा पर काम करता था, 2 साल पहले वसूली की शिकायत के आधार पर युवक को नगरपालिका से बाहर कर दिया गया था। युवक नगरपालिका में सरकारी योजनाओं के फॉर्म और लाभ दिलवाने के लिए गरीब मजदूरों से अवैध वसूली कर रहा था। आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया गया था। बुलंदशहर से संवाददाता राशिद खान की रिपोर्ट। कर्मचारी पहले नगरपालिका का ठेकेदारी के माध्यम से लगाया गया था, काम न करने की वजह से इसको 2 साल पहले निकाल दिया गया था, लेकिन ये लगातार हम लोगों को शिकायत कर रहा था दोबारा वापसी के लिए, लेकिन इसके गलत कामों की वजह से हम लोगों ने लिया नहीं जो है। लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यह यहाँ जो लोग अपने गवर्नमेंट से लाभ मिलने वाली योजनाओं के फॉर्म भर रहे हैं उनसे यह वसूली कर रहा था, जैसे मुझे पता चला मैं इसको पकड़वा कर करके अंदर लाया जो है और यहाँ से इसको पुलिस के सुपुर्दगी में दे दिया। सर, ये किस चीज़ के लिए करके वसूली कर रहा था, कौन सी योजना पर स्पेशली? सरकार के द्वारा जो मिलने वाले 1000 रुपये मिलने थे मजदूरों के लिए या गरीबों के लिए, उन गरीब लोगों से यह पैसे वसूला था फार्म भरवाने के नाम पर। 10-5 रुपये मैं रिक्शा ले लेता हूँ अपना खर्चा चलाने का, मेरे को भुखमारी से शोषण हो रहा है बहुत साल से, मैं मौत के कारागार में बैठा हुआ। मैं साहब लोग कह रहे थे डीएम साहब कि अगर आपको कोई परेशान करेगा तो मैं उन्हें वहाँ बुला लूँगा। मैंने जितना आपको फूल में क्योंकि इंचार्ज का हवाले दे चुका हूँ, वो मेरे घर पर भी आए थे है ना, और मैंने वहाँ पर धप्पा कोतवाल को मैंने एस पी साहब को थाने को इंचार्ज फोन मिला डीएम साहब को फोन मिला। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.